नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब आपका किस्मत बदलने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आपके कुंडली में स्थित ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। कुछ धन योग और कुछ राजयोग का ऐसा निर्माण होगा जिससे कि आपको धन कमाने के फरबल मौके मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, यूँ कहें तो आपका वह समय आ चुका है जिसका आप कई समयों से इंतजार करते आ रहे हैं, जिसका आप कई महीनों से इंतजार करते आ रहे थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि यश में जो भी मौके आपको मिलने वाले हैं, इन मौके को आप किसी के भी साथ शेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। ये दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली है। साथ ही आपको वीडियो में बताए जाने वाली हर एक छोटी सी सावधानी भी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों यश में आपके दुश्मन भी प्रबल स्थिति में होने वाले हैं। अगर आप कोई भी बात उनसे शेयर करेंगे तो दोस्तों वे आपके आगे तो हंस देंगे और आप पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वो अंदर ही अंदर आप पर भी कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको कौन से क्षेत्रों में सावधान रहने की आवश्यकता होगी, कौन सी बड़ी उपलब्धि यश में आपको मिलने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपके धन लाभ होने के बड़े प्रबल योग बन रहे हैं, साथ ही करों की ये स्थिति आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार करने वाले हैं, तो दोस्तों इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, जो भी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लिखेगा, गुरु जी का और माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल है, आत्मविश्वास और थोड़ी सी सावधानी आपके द्वारा अधिकतर काम को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहायक साबित होंगे। दोस्तों अपने व्यवहार को और अधिक सकारात्मक और सहयोगात्मक बनाने का प्रयास आपके मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। साथ ही दोस्तों यश में सावधानी को लेकर अगर बात करें तो दोस्तों यश में वित्तीय कामों में हिसाब करते वक्त किसी तरह की गलती हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों लोगों के किसी तरह का मतभेद में ना उलझें, पारिवारिक सदस्यों का भी यश में मान सम्मान बनाकर रखें, ये आपके लिए उचित होंगे। साथ ही दोस्तों आपके द्वारा किए गए हर काम को आलोचना मिलने की वजह से आपके आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों द्वारा आपको आलोचना मिल रही है उन लोगों के प्रति बढ़ता गुस्सा आपके रिलेशनशिप पर भी इनका असर दिख सकता है। दोस्तों खुद को भावनात्मक रूप से और बेहतरीन बनाने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, व्यस्तता के बावजूद भी आप अपनी व्यक्तिगत रुचि संबंधी कार्यों के लिए यह समय निकाल पाएंगे। आपके किसी सराहनीय काम की वजह से आपकी योग्यता और काबिलियत की भी यशमय तारीफ होगी। साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों को अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में सुकून और राहत मिलेगी। दोस्तों यशमय रिक्स की प्रवृत्ति जैसे कार्य जैसे कि जुआ सट्टा इनसे आप दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे, अन्यथा आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। फिजूल के खर्चे सामने आएंगे। दोस्तों यशमय संतान की गतिविधियों तथा संगत पर आप उनका नजर रखें, ये आपके लिए उचित होंगे। इसके बाद दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपके द्वारा लिए गए निर्णय को परिवार से सहमति मिल पाना यश में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपकी प्रगति की वजह से परिवार को भी यश में आनंद प्राप्त होगा, लेकिन दोस्तों जिस तरह की सोच विचार आप रख रहे हैं उनकी वजह से आपके प्रति चिंता भी बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं जो कि आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ने से काफी आपकी पहचान इसमें बन सकती है। दोस्तों किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों यह समय व्यस्तपूर्ण दिन रहेगा जिसकी वजह से थकान और चिड़चिड़ापन भी आपको महसूस हो सकते हैं। दोस्तों दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों भूतकाल से जुड़ी बातों को बार बार याद करने से केवल आपको तकलीफ ही हो सकती है। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों कुछ समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां यह समय उनमें सुधार आएगा और आप अपने रुके हुए सभी कार्यों को निपटाने में भी अपना को ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। और दोस्तों यह समय किसी मित्र का सहयोग भी आपकी दिक्कतों को कम करने में आपका मदद करेगा।
परंतु दोस्तों यह समय किसी भी प्रकार के बाद की स्थिति से आप दूर रहें, अन्यथा आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। कोर्ट के संबंधी किसी भी कार्य को इसमें स्थगित रखें। विद्यार्थी वर्ग जो है व्यर्थ की बातों में पढ़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। शादी दोस्तों घर और व्यक्तिगत बातों के बारे में निर्णय न ले पाना या फिर लिए हुए निर्णय पर कायम न रह पाना आपके प्रगति को रोक रहा है। दोस्तों यह समय युवाओं को मानसिक तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों निर्णय लेते समय किसी का मार्गदर्शन लेना आपके लिए बेहतर होंगे, तो दोस्तों इन पर आप जरूर जो है सहायता लें। लेकिन दोस्तों आप अपने बलबूते पर या फिर अपने योग के तरीके पर ही विश्वास करें, ये भी आपके लिए बेहतर। दोस्तों निर्णय लेते समय किसी का भी मार्गदर्शन ना मिल पाना आपके लिए तकलीफदायक होगा, लेकिन दोस्तों आप अपने बलबूते पर योग्य निर्णय लेने में भी काबिल हैं। दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का पूरा आपके ऊपर सहयोग रहेगा। दोस्तों उन पर विश्वास बनाकर रखना जो है उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। दोस्तों यह समय नौकरी पेशा लोगों को सरलता से कोई टारगेट हासिल हो सकती है, परंतु दोस्तों किसी भी अनुचित काम में ध्यान न दें, कोई इंक्वायरी होने की भी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय आपके राजनीतिक संबंध व्यवसाय में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशन संबंधी कामों पर भी ध्यान दें। युवाओं को करियर संबंधी कोई नया अवसर मिलने से तनाव से आप मुक्ति पाएंगे। दोस्तों नौकरी में भी छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षेत्र में कर्मचारी पर जो है निर्भर ना रहकर खुद की गतिविधियों पर निरीक्षण करें। दोस्तों यह समय काम में बदलाव संबंधी कोई महत्वपूर्ण फैसला भी लेना पड़ सकता है। राजनीतिक से जुड़े लोगों के साथ जो है संपर्कों को मजबूत करें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी और दोस्तों अपना अधिकतम समय मार्केटिंग तथा प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाने में लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों चिट फंड संबंधी कंपनियों में किसी तरह का निवेश करने से यह बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों इनमें आप ठगे भी जा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पति पत्नी के संबंधों में यह समय मधुरता रहेगी। किसी के साथ विवाह संबंधी समारोह में आमंत्रण होने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों व्यस्तता के चलते घर परिवार पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु परिवार के सदस्यों का सहयोग और सम्मान आपके प्रति यह समय भरपूर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों यह समय व्यस्तता की वजह से दाम्पत्य तथा प्रेम संबंधों के लिए समय आप नहीं निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो है नाराजगी झेलने भी यह समय पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए इसमें अच्छा रिश्ता आने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जनों के बीच यश में बेहतर समाजस बनाने और तालमेल बनाने से आपका वातावरण जो है घर का बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में इम्यून सिस्टम को और अधिक स्ट्रांग बनाकर रखें। वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव रखना भी आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में नशीले पदार्थों और फिर गलत लोगों के संपर्क में आने से परहेज करें, क्योंकि दोस्तों इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ सकता है, जिनसे आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय गला खराब हो सकता है और खांसी जुकाम जैसी परेशानी भी आपको महसूस हो सकती है, इसलिए दोस्तों उचित समय पर आप अपना इलाज करा लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों शाम तक स्वास्थ्य उत्तम होगा, परंतु यह समय अपने खान पान और फिर दिनचर्या के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों इन दिनों में आप जो है भगवान में आस्था रखें, सत्संगति करें और मानसिक हिंसा करने से इसमें बचें, इससे दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति जो है वह बेहतर होगी। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि मृत्यु तुल कष्टग्रस्त रोगी को छुटकारा दिलाने के लिए जौ के आटे में तिल एवं सरसों का तेल मिलाकर जो है मोटी रोटी बनाएं और उसे रोगी के ऊपर से 7 बार उतार कर भैंस को खिला दें। जी हाँ दोस्तों, यह क्रिया करते समय ईश्वर से रोगी को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, और यह उपाय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे, आपकी समस्याओं का अंत होगा और रोगी तंदुरुस्त भी होंगे।
तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को कर सकते हैं, ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर शेयर कर दें।